मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने 12th क्लास के बीयू में स्टार्टिंग अपना फर्स्ट चैप्टर था मैनेजमेंट, तो आज अपन इसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, तो ये टोटल कितने टाइप्स के थे? 14 टाइप्स के। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, थर्ड टॉपिक अपना, वो है हेनरी फॉयल्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के विकास में हेनरी फॉयल का योगदान। तो स्टार्ट करते, देखिए, फॉयल स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ही डिवाइडेड द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इंटू 6 पार्ट। फॉयल ने प्रबंध के उच्चतर स्तर के दृष्टिकोण में इसकी समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने औद्योगिक संगठन की गतिविधियों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। फॉयल के अनुसार जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, वो टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 क्लासेज में डिवाइडेड है। तो देखिए, फर्स्ट है टेक्निकल एक्शन, यानी कि तकनीकी गतिविधियां। एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज, जो ऐसी गतिविधियां जो कि उत्पादन से संबंधित हो, वो किसमें आएगी? टेक्निकल एक्शन में। ठीक है, सेकंड है कमर्शियल एक्टिविटीज, परचेज एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स एंड एक्सचेंज, यानी वाणिज्यिक गतिविधियां, क्रय और विक्रय और विनिमय संबंधित गतिविधियां जो है वो आती है कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड फाइनेंशियल एक्शंस, एक्शन रिलेटेड टू द रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, वित्तीय गतिविधियां। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन कौन कौन सी है? जिसमें पूंजी की प्राप्ति एवं उपयोग संबंधित गतिविधि आती है, वो किसमें आएगी? फाइनेंशियल एक्शन। फोर्थ प्रोटेक्टिव एक्शन, एक्शन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड सेफ्टी ऑफ गुड्स, सुरक्षात्मक गतिविधियां, संपत्ति तथा सामान की सुरक्षा से संबंध गतिविधियां। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टिविटी, जो एक्शन रिलेटेड होती है, वो सारी किसमें आएगी? प्रोटेक्टिव एक्शन में। फिफ्थ अकाउंटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टॉक वैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, लेखा गतिविधियां, वित्तीय अभिलेखन तौर तैयार करने, मूल्यांकन एवं स्टॉक से संबंधित गतिविधियां जो है वो आएगी अकाउंटिंग एक्टिविटीज में। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर स्टॉक वैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो सारे किसमें आते हैं? अकाउंटिंग एक्टिविटीज में। सिक्स्थ मैनेजरियल एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज, ये सारी आएगी मैनेजरियल एक्टिविटीज में। ठीक है, यानी प्रबंधकीय गतिविधियां, योजना, संगठन, सामंजस्य और नियंत्रण से संबंधित गतिविधियां सारी किसमें आएगी? मैनेजरियल एक्टिविटी में। अकॉर्डिंग टू फाइल, ऑल द अबोव मेंशन एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइल के अनुसार जो ये अपन ने ऊपर 6 तरह की एक्टिविटीज, गतिविधियां जो पढ़ी है, वो किसमें आती है? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दे फाउंड दैट प्रॉपर नॉलेज एग्जिस्ट इन रिलेशन टू द फर्स्ट 5 एक्टिविटीज। जो पहली 5 थी, कौन कौन सी पहली 5 है? टेक्निकल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्शन, प्रोटेक्शन एक्शन और अकाउंटिंग एक्टिविटीज। ये पहली 5 जो है वो दैट प्रॉपर नॉलेज एग्जिस्ट इन रिलेटिंग टू द फर्स्ट 5 एक्टिविटीज, यानी कि इसके अंदर जो एक प्रॉपर नॉलेज होता है वो इसके अंदर आती है। लेकिन इसके अलावा, देयर फॉर ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज, जो सबसे लास्ट में 6 एक्टिविटीज थी उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। और उसमें क्या कहा? रिगार्डिंग मैनेजरियल एक्शन, फाइल हैज डिवाइडेड हिज आइडिया इंटू 3 मेन पार्ट्स। और जो मैनेजरियल एक्टिविटी थी, उसके लिए फाइल ने और अपने जो आइडिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? देखिए, मैनेजरियल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, और थर्ड है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट।
तो देखिए फाइल के अनुसार उपयुक्त दर्शित गतिविधियां प्रत्येक औद्योगिक संस्था संगठन में प्रदर्शित होती है। उन्होंने पाया कि प्रथम पांच गतिविधियों से संबंधित यथाशिष्ट जानकारी उनके पास है, इसलिए इन्होंने अपना ध्यान प्रबंधकीय गतिविधियों पर केंद्रित किया। प्रबंधकीय गतिविधियों के संबंध में फायल ने अपने विचार मुख्य तीन भागों में विभक्त किए। पहला था प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण, दूसरा था प्रबंध के तत्व और तीसरा है प्रबंध के सिद्धांत। अब देखिए इसमें सबसे पहला अपना था मैनेजरियल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखिए यानी कि प्रबंध की योग्यता है प्रशिक्षण। इसके अंदर देखिए पहला, अकॉर्डिंग टू फाइल अ मैनेजर हैज द फॉलोइंग सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइल के अनुसार एक प्रबंध में निम्न छह विशिष्टताएं होती है। अब वो छह विशिष्टताएं कौन सी है? सबसे पहला है अपना फिजिकल यानी भौतिक, जिसके अंदर हेल्थ, एम्बल, टेम्परमेंट एंड विटेलिटी, स्वास्थ्य, शांत एवं सहनशील स्वभाव और तेजस्विता, ये आती है फिजिकल में। यानी कि मैनेजर के अंदर ये जरूरी आवश्यक चीजें होती है। सेकेंड, मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कंटिन्यूसनेस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। बौद्धिक के हिसाब से देखें, समझने की योग्यता, सतर्कता सीखने तथा निर्णय करने की योग्यता, ये भी मैनेजर के अंदर होनी आवश्यक है। तीसरा, वर्चुअल एबिलिटी टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू टेक इंटेंटिव लॉयलिटी, सदस्यता, नैतिकता या ईमानदारी, दायित्व, जिम्मेदारी स्वीकार करने की योग्यता, नवाचार, पहल करने की योग्यता एवं निष्ठावान होना भी जरूरी है। फोर्थ, एकेडमिक नॉलेज ऑफ एक्शंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर एंड देयर रेंडरिंग। शैक्षणिक विषय वस्तु से संबंधित कार्यवाही की जानकारी होना एवं तद अनुसार कार्रवाई करना। यानी कि जिस सेक्शन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर काम कर रहा है, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सारी चीज की उसको नॉलेज होनी और उसके अनुसार उसको उसके एम तक पहुंचाने के लिए जो भी डिसीजन है वो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको लेना चाहिए और उसके अनुसार कार्यवाही भी करनी चाहिए। फिफ्थ, टेक्निकल नॉलेज ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू वर्क, तकनीकी कार्य से संबंध प्रकरणों या मुद्दों का ज्ञान होना। यानी कि इस जो कार्य वो मैनेजर के थ्रू हो रहे हैं, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिलेटेड सारी सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, चाहे टेक्निकल हो या फिर फिजिकल। सिक्स्थ, एक्सपीरियंस हैविंग स्किल बाय वर्किंग, अनुभव कार्य करने में कुशल एवं दक्ष होना। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास ओनली नॉलेज हो तो वो उसमें सफिशियंट और अपना काम कर सकता है, नहीं, उसके साथ में उसको एक्सपीरियंस भी होना है कि वो जो कार्य कर रहा है उसमें उसने कितने साल तक आगे भी काम किया है और उसे उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को किस किस उपलब्धियों तक पहुंचाया है, वो भी उसके अंदर होनी आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक टीचर ही होता है, तो एक ट्रेंड टीचर होता है, उसके पास नॉलेज होता है, लेकिन नॉलेज के साथ उसके पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तो वो अलग अलग आइडियाज देकर, अलग अलग ट्रिक्स देकर स्टूडेंट्स को वो चीज समझा सकता है। लेकिन एक फ्रेशर टीचर जो होता है, वो उसके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बट उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसके कारण जो एक ट्रेंड टीचर, एक अनुभवी और एक्सपीरियंस टीचर जितना नॉलेज और जितने ट्रिक्स रख सकता है, उतना वो न्यू कमर्स जो टीचर्स है वो नहीं रख सकता। हाँ, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उससे लेटेस्ट एग्जाम्पल दे सकता है, बट जो एक्सपीरियंस जो 5 6 साल से पढ़ा रहे हैं टीचर्स उनके पास होता है, वो उसके पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैनेजर में भी सेम कंडीशन होती है कि जो एक्सपीरियंस है वो भी, उनका स्किल्स और एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है नॉलेज के साथ में। ठीक है, सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फाइल द मैनेजमेंट शुड टेक द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस इन विच फाइव एलिमेंट्स आर असेंशियल, प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। इस बार जो आपके कोर्स में है वो सबसे मेन पांच तत्व होते हैं, प्रबंध के पांच तत्व है, वो आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहला है प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है डायरेक्शन, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन और फिफ्थ है कंट्रोल। जो आपका मेन बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है वो इन्हीं पांच तत्व, इन्हीं पांच घटक पर डिपेंड है, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पांचों आगे आपको चैप्टर वाइज अलग अलग इस बार के जो कोर्स में वो आपको पढ़ाऊंगा। तो ये पांचों क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रबंध के तत्व या घटक। फायल के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में होनी चाहिए जिसमें पांच घटक या तत्व आवश्यक हैं। पहला है योजना बनाना यानी प्लानिंग, सेकंड संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड डायरेक्शन यानी निर्देश, फोर्थ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और फिफ्थ है कंट्रोल यानी नियंत्रण। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये पांच एलिमेंट्स उसके अंदर होना बहुत जरूरी है, तभी वो बिजनेस प्रॉपर ढंग से वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पाएगा और अपने एम तक पहुंच पाएगा। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था, कि उस बिजनेस से रिलेटेड सारी प्लानिंग करनी होती है कि कौन सा वर्क किया जाए, उस जगह पर कौन सा वर्क प्लेस जो है वो ठीक रहेगा उस काम को करने के लिए, वहां पर रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा, उसके बाद में उसके अंदर किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कितना स्टाफ जरूरत पड़ेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, फिर उनको काम कैसे करवाना उसके लिए उनको निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद में उनके साथ में कोऑर्डिनेशन होगा और लास्ट में उनका कंट्रोल की उस चीज़ को उस एम तक पहुंचने के लिए किन चीज़ों की कमी रह रही है, तो उन सबको कंट्रोल करके कम व्यय खर्च करके उसके बाद में वेजेस कम करके और उसको लास्ट एंड तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो इसको और ब्रीफ में अपन आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फाइव टाइप्स के होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ओके, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल द वर्क इज आउटलाइंड। योजना बनाना या विनय योजना प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है? क्योंकि योजना के आधार पर ही समस्त कार्यों की रूपरेखा बनती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उससे के संबंधित प्लान करना जरूरी है, उस कार्य को कैसे करना है उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, और इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्लानिंग। ठीक है, और इसी प्लानिंग के साथ में पूरा जो कार्य उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होगा उसकी रूपरेखा यानी कि आउटलाइन तैयार होती है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क डिटरमाइंड बाय द प्लानिंग थ्रू विच द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। विनय योजना या योजना द्वारा निर्धारित निश्चित कार्य को करने के लिए संगठनात्मक संस्थागत संरचना की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों का काम आवंटित किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर कार्य को निश्चित किया जाता है कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा और इसमें कार्य को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके काम को करवाया जाता है कि ये कार्य आपको करना है, ये कार्य आपको करना है। ठीक है, थर्ड, वन एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मेनी पर्संस सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन देयर वर्क। एक काम बहुत से लोगों द्वारा किया जाता है, अतः उनके काम में आपसी सामंजस्य या समन्वय आवश्यक होता है। कोऑर्डिनेशन यानी कि एक कार्य को करने के लिए जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति करे, उस कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग जगह पर यूज होता है, तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनका संबंध होना चाहिए, आपस में एक साथ में वो कार्य करे ताकि उस काम को और अच्छे से कंप्लीट किया जा सके बेटर क्वालिटी के साथ में। कंट्रोल इज रिक्वायर्ड
टू एंश्योर दैट द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। अब जो लास्ट टॉपिक था अपना, जो लास्ट में तत्व था वो था कंट्रोल, एलिमेंट्स जो था वो था कंट्रोल। तो कंट्रोल के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कार्य योजना अनुसार किया जा रहा है या नियंत्रण होना आवश्यक है, यानी कि जो प्लानिंग आपकी थी, जो आपने पहले प्लान की थी, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य हो रहा है या नहीं, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस एलिमेंट्स का भी उपयोग किया जाता है कि अगर उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें किस चीज की कमी रह रही है उस पर कंट्रोल करके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। 21st सेंचुरी मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर, 1909 टू 2005, बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड 2002 अमेरिकन प्रेसिडेंटल अवार्ड। 21वीं शताब्दी के प्रबंधक गुरु पीटर ड्रकर, जो कि 1909 से 2005 तक, और उनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ, अमेरिकन प्रेसिडेंटल अवार्ड से सम्मानित हुए, कब? 2002 में। ठीक है, अब उनके द्वारा क्या थ्योरी थी वो देखिए। अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक एंड मैकिन्से हैव एम्बलिस्ट पीटर ड्रकर एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरु, द मोस्ट वाइडली रीड एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड मास्टर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक और मैकिन्से द्वारा पीटर ड्रक को प्रबंध के क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला और सर्वाधिक सम्मानित मास्टर दर्शाते हुए सर्वाधिक सम्मानित गुरु के रूप में अलंकृत किया जा चुका है। अकॉर्डिंग टू ड्रकर्स ओपिनियन, द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्टिव वर्क एंड लेबर अचीवमेंट, सोशल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम डाइमेंशंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ड्रकर के मतानुसार प्रबंध का मुख्य कार्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना, उत्पादक कार्य एवं श्रम प्रति सामाजिक तालमेल एवं सामाजिक दायित्व का निर्वहन, समय आयाम, प्रशासन व ठेकेदारी का सम्मिलित होता है। अब मैनेजमेंट टेक्निक्स यानी इनोवेटिव ट्रेंड्स, प्रबंध तकनीक या नवाचार प्रवृत्ति, ये अगला टॉपिक है अपना। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एनवायरमेंट ऑन द ऑपरेशन एंड एक्सिस्टेंस ऑफ पर्सनल लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एट प्रेजेंट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट लाइक जियोग्राफिकल, लीगल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड चेंजिंग एट द रैपिड पेस। व्यक्तिगत जीवन जीने की शैली, तौर तरीके हो या किसी संगठन संस्था का परिचालन हो, वातावरण में परिवर्तन का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव सभी पर पड़ता है। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट सभी पर होता है और वर्तमान समय में बाहरी वातावरण के सभी अवयव या घटक, चाहे वो भौतिक, विधिक, सामाजिक, प्रथा, आर्थिक आदि किसी भी रूप में हो, तेजी से परिवर्तनशील है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, भले भौतिक से हो या विधिक हो, सामाजिक हो, प्रथा, आर्थिक, किसी भी रूप में हो, उनका इफेक्ट बहुत ही जल्दी होता है और वो जल्दी से परिवर्तनशील, चेंजेस भी चेंजेबल कर देते हैं किसको, मैनेजमेंट का, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है उन सबको। द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस इज ऑल्सो ऑन मैनेजियल एफर्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। इन परिवर्तनों का प्रभाव संगठनों या संस्थानों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रबंधकीय प्रयासों पर भी पड़ रहा है। यानी कि जो मैनेजियल एफर्ट्स हैं उनके द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन के एम तक पहुंचने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उन पे भी उसका इफेक्ट होता है, उनके द्वारा जो अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए उन पर भी उनका इफेक्ट होता है। तो देखिए आगे, नाउ द न्यू डायमेंशन ऑफ द न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स और मैनेजियल वर्क हैज एम्बर्स्ड एज नेसेसरी इन द मैनेजियल फील्ड।
प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंधक के कार्य या नवीन प्रबंधक तकनीक के नवीन आयाम प्रकट होना अब आवश्यक हो गया है। अब कौन कौन से हैं वो न्यू टेक डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स। फर्स्ट है मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव, सेकंड मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन, थर्ड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फोर्थ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, फिफ्थ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, सिक्स टेक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेवन्थ मैनेजिंग चेंजेस, एट्थ मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नाइन्थ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, टेंथ मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज, इलेवेंथ मैकेनिज्म अप्रोच और ट्वेल्थ कंटीजेंसी और कंजक्टिविटी अप्रोच। लक्ष्य उद्देश्य को प्रबंध, आपदा से प्रबंध, रणनैतिक प्रबंधन, उत्पादक प्रबंधन, तकनीकी प्रबंधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रबंधक के परिवर्तन, विरोध संघर्ष या प्रतिद्वंद का प्रति प्रबंधन, प्रचालन संचालन प्रबंधन, ज्ञान जानकारी का प्रबंधन, यांत्रिक यानी मशीन अधिगम या पहुंच या आकस्मिकता या संयोजकता स्थिति में पहुंचना। अब दूसरा अपना था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MOB। MOB इसका शॉर्ट फॉर्म है, आपको ऐसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज MOB यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का हिंदी में अर्थ पढ़े तो उद्देश्य या लक्ष्यों के से प्रबंधन, लक्ष्यों से प्रबंधन। मैनेजमेंट का जो है एम है या ऑब्जेक्टिव है उसमें प्रबंध क्या रोल है। मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड आइडिया। इन सिंपल वर्ड्स द पर्पज ऑफ ऑल मैनेजियल एक्शन इज टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। लक्ष्य या उद्देश्य से प्रबंध करना मैनेजमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों और तकनीक में से एक है। सामान्य और सरल शब्दों में समस्त प्रबंधक के क्रियाकलापों एवं परियोजना लक्ष्य उद्देश्यों की तरफ उन्मुख होना ही है। अब इसके अंदर मेन ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग की गई है या जो आइडिया टेक्निक्स उपयोग में ली गई है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ओवरऑल जो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही टारगेट रहता है, उसका एम जो है वहां तक पहुंचना। अब एम जो है पहले ही प्री प्लान होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो और भी बेटर तरीके से किया जा सकता है और उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि ओवरऑल जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी मैनेजमेंट वर्क करेगा वो अपने एम तक पहुंचने के लिए करेगा और उस एम तक पहुंचने के लिए जो भी वो कार्य करेगा उसका मेन जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो एक ही चीज पर होगा कि वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य को करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो एक ही उद्देश्य है, वो है उसका टारगेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस मैनेजमेंट को दिया गया है कि वो कार्य किसको करना है, किसके थ्रू करवाना है और उसको करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव वो होता है उसका लास्ट टारगेट जो है, जो एम है उस तक पहुंचने के लिए जो भी एक्टिविटीज उसके अंदर रन हो रही है उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज टू अरेंज अ सिस्टमैटिक philosophy and techniques of management at each stage of organization determining objectives goals and obligations jointly planning effective work and evaluating performance in the context of achieving goals। लक्ष्य या उद्देश्यों से प्रबंध के अनुसार संगठन प्रतिष्ठान के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक इकाई में प्रबंध की तकनीक से लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में कामगारों या कर्मचारियों के प्रदर्शन एवं आवंटन को दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्यों उद्देश्यों की योजना बनाकर क्रमबद्ध दर्शाने से स्थापित किया जा सकता है। कोई भी कार्य जो है उसको एक सीक्वेंस में एक लाइन के हिसाब से, कोई भी कर्मचारी है उसको परफेक्ट
उसका डे रूटीन बता दिया जाता है कि ये जो कार्य है आपको करना है, और उसमें अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हर एक कैटेगरी के पीपल्स को अलग अलग, हर एक लोगों को अलग अलग डिवाइड करने से वो कार्य आसानी से हो जाता है। और उसके साथ साथ में उनको उनका एम भी बताना होता है कि आपको इस सिक्वेंस में, इस क्रमबद्ध के रूप में इस कार्य को दर्शाना होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन इज डिफाइंड बाय वेरियस स्कॉलर्स एज फॉलोज। अकॉर्डिंग टू अन्नाराया, द मैनेजमेंट बाय रिजल्ट इज और ओरिएंटेड फिलोसॉफी विच एम्फेसिस ऑन अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट। यानी अन्य राय के अनुसार, द मैनेजमेंट बाय रिजल्ट इज ओरिएंटेड फिलोसॉफी विच एम्फेसिस ऑन अचीवमेंट एंड रिजल्ट्स। परिणामों से प्रबंधन एक उन्मुख दार्शनिकता है जो लक्ष्य प्राप्ति और परिणामों पर निर्भर है। अब अन्ना राय के अनुसार क्या कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और उसके परिणाम पर निर्भर रहे, वो किसमें आएगा? मैनेजमेंट। ठीक है। जनरली जनरली इट्स गोल इज टू इंक्रीज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। सामान्यतः इसका लक्ष्य व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, तो अपन अब आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना अगले पार्ट फोर्थ में होगा। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज मैं इसके आपको नोट्स भी भेज दूंगा वीडियो के साथ में, ये भी आपको कॉपी में करना है, और इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।